हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल राहुल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट में। दोस्तों आज हमारे पास एक माइक्रोटेक का यूपीएस आया 850 CV मॉडल। दोस्तों इसमें यह फॉल्ट है कि इसमें जब बैकअप मोड पर या मेन पर भी लगाएंगे तो ये लगातार बीप की आवाज़ देता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और सीरीज बोर्ड से भी कनेक्ट किया हुआ है मैंने। ये देखिए मैं इसकी MCB उठा देता हूँ DC की। ये देखिए यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा है इसका, ये देखिए। और यहाँ पर सिर्फ इसका स्विच में लाइट आती है, ये देखिए यहाँ पर, और कई बार बंद हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर भी पैनल पर भी कोई इंडिकेशन नहीं शो करता। कहने का मतलब दोस्तों इन्वर्टर बिल्कुल वर्किंग में नहीं है, सिर्फ बीप की आवाज़ करता है ये। यह दोस्तों जो फॉल्ट है इसका, ये दो कारणों से आता है। या तो हमारी जो यहाँ पर 7800 से 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, या तो वो ज़्यादा आ रही हो जैसे 12 वोल्ट या 5 वोल्ट से ज़्यादा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि लाइट ज़्यादा फ्लैक्चुएशन करे या ज़्यादा आ जाए तो भी हमारे IC ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा मेन IC, ये देखिए ये हमारा किट में लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा मेन IC होता है, IC के अंदर इसकी प्रोग्रामिंग है सारी। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इसी के बारे में डिटेल से बता दूँ कि माइक्रोटेक के जो ये हमारे मॉडल हैं इनकी कौन कौन सी पिनों पर क्या कितने वोल्ट आते हैं। और चलिए दोस्तों मैं आपको एक डायग्राम में दिखा देता हूं इसके, जो मैंने फार्म से फोटोस्टेट कॉपी की हुई है। ये देखिए दोस्तों हमारी 1 से लेकर 28 पिन तक की पूरी डिटेल है इसमें। ये देखिए हमारे यहाँ पर, ये देखिए कहाँ पर कितने वोल्टेज बनती है। ये देखिए दोस्तों मैंने इन्वर्टर को उल्टा कर लिया है, ये देखिए। अब दोस्तों हम सबसे पहले इसके IC निकाल लेंगे, तभी हम इसके वोल्टेज यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हम इसे यहाँ पर एक लाइनर की सहायता से IC को यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लाइनर को डालकर और आराम से इस तरह से दबाएंगे ऊपर की तरफ, और ये हमारी IC बाहर आ जाएगी। देखिए ये देखिए ऊपर के ऊपर उठ गई है। अब दोस्तों हम इसे यहाँ से पकड़ कर IC निकाल लेते हैं। ये देखिए ये दोस्तों हमारी IC निकल चुकी है। और दोस्तों आपको ये इसे ध्यान से निकालना है, कई बार दोस्तों हमारा ये IC का फॉल्ट नहीं होता है, क्रिस्टल का या PF का ये लगे हुए हैं जो इनका फॉल्ट होता है। तो ये इसकी ध्यान रखें कि इसकी एक भी पिन टूटे ना, नहीं तो ये IC हमारी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो ऐसे मैं साइड में रख लेता हूँ। अब दोस्तों हम यहाँ पर वोल्टेज मापेंगे, अगर हमारे यहाँ पर वोल्टेज ओके आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी IC ख़राब है। पर ये IC दोस्तों मैंने जब इसे हाथ लगा कर देखा है बीप की आवाज़ में, तभी IC गर्म हो रही थी। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ वोल्टेज ज़्यादा आने के कारण ख़राब होती है, ये ज़्यादा लाइट आने के ख़राब हो जाती है ये। तो चलिए दोस्तों मैं इसके वोल्टेज यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ। पहले ये जो हमारी यहाँ पर यहाँ से नीचे की तरफ से ये कट है यहाँ पर, तो यहाँ से पहली नंबर पिन स्टार्ट होगी, यहाँ तक 14 पिन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वीं पिन है जो यहाँ से स्टार्ट होगी इस उल्टी साइड से। इस साइड से दोस्तों हमें नहीं लेकर आनी गिननी है, इस साइड से हमारी 15, 16, 17, 18 इस तरह से यहाँ पर पिन गिनेगी। चलिए दोस्तों अब मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर हमारी IC नहीं डली होगी तो भी हमारा यहाँ पर बीप की साउंड करेगा, क्योंकि हमने IC निकाली हुई है। पर मैं दोस्तों मीटर कनेक्ट कर लेता हूँ अपना मल्टीमीटर इसके साथ। दोस्तों एक वायर हमें यहाँ पर कनेक्ट करनी है हमारी पॉजिटिव के साथ, और जो इसकी एक प्रोप होगी यहाँ पर 20 पर हम इस मीटर को सेट कर लेंगे, और इसके यहाँ पर बेस पर वोल्टेज मापेंगे हमारी यहाँ पर पहली पिन पर और 20 नंबर पिन पर। तो चलिए दोस्तों मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ मीटर को। तो दोस्तों मैंने मल्टीमीटर कनेक्ट कर लिया, मैं इसकी जो DC की MCB है वो उठा देता हूँ। ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों हमारे बजर के साउंड आने लग चुकी है। अब दोस्तों मैं इसकी 1 नंबर पिन पर वोल्टेज मापता हूँ पहले। ये देखिए ये दोस्तों हमारी पहली पिन है इसकी यहाँ से नीचे की साइड से, ये देखिए। और ये देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर 5 वोल्ट के आसपास वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारी पहली नंबर पिन पर वोल्टेज सही आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी 14 पिन हो जाएंगी इसकी लास्ट तक यहाँ तक। तो अब दोस्तों ऊपर की साइड से हम इसकी 15वीं पिन गिनेंगे, यहाँ तक दोस्तों हमारी 14 पिन होगी। इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये देखिए दोस्तों 20 नंबर पिन पर भी हमारी वोल्टेज सही आ रही है, ये देखिए। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा IC ही ख़राब है, और हमारे यहाँ पर 7800 जो ये 5 लगा हुआ है ये वोल्टेज अच्छी तरह निकाल रहा है। ये देखिए मैं आपको फिर दिखा देता हूँ 1 नंबर पिन पर और 20 नंबर पिन पर। ये देखिए यहाँ पर लगभग 5 वोल्ट के आसपास ही है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर पिन पर भी 5 वोल्ट है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका IC डालकर चेक करते हैं कि हमारा इन्वर्टर ओके होता है या नहीं। मैं इसे दोस्तों डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ MCB से। ये देखिए अगर दोस्तों आपको IC
नहीं मिलती कहीं से, तो आप ये किसी किट से निकाल कर लगा सकते हैं, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर जाकर उन पर पुराने किट किसी से भी पूछ कर उससे आईसी ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम भी इसी तरह किटें खरीद लेते हैं, जैसे स्क्रैप वगैरह हमसे लेने आते हैं बैटरी वगैरह की। ये देखिए मैंने काफ़ी किटें ले रखी हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आईसी जो है मैंने इनके निकाले हुए हैं किट से, वो निकाल लेता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा REV लिखा हुआ है, ये हमारा लुमिनस का जो लॉन्ग बोर्ड का इन्वर्टर आता है उसकी आईसी है ये। ये हमारी दोस्तों लुमिनस का जो 172 मॉडल आता है उसकी है, जो इको बोर्ड में आता है। ये दोस्तों जो हमारा 172 नंबर बोर्ड आता है, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ लुमिनस का। ये देखिए, ये हमारा 172 नंबर बोर्ड है, ये इसकी आईसी है। और दोस्तों जो एक आईसी इसी के अंदर लिखा उस पर भी 172 होता है, और उसके ऊपर दोस्तों थोड़ा नेम लिखा होता है किसी चीज़ का। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये भी सेम आईसी है। ये देखिए, ये भी 172/22 लिखा हुआ है, इस पर भी 172/22, सिर्फ इस पर एक नेम लिखा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए। और दोस्तों ये देखिए, ये 1 वाट वाली किट की है। और ये दोस्तों जो हमारी 172 सिंपल किट होती है SMD, ये देखिए उसकी आईसी है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब कि हर आईसी में इनमें अलग अलग प्रोग्रामिंग होती है, तो आप ये दोस्तों आईसी कोई भी किसी भी किट की एक दूसरी किट पर नहीं लगा सकते दोस्तों। या तो आपके पास कोई आईसी बिल्कुल बिल्कुल सेम आईसी ही लगेगी दोस्तों, या सेम किट हो आपके पास उसकी आईसी लग जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास एक सेम किट थी लुमिनस की, जैसे माइक्रोटेक की, तो जैसे मेरे पास ये माइक्रोटेक की पड़ी है, इसी तरह मेरे पास 850 VA की पड़ी थी, 850 EB की। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने उसकी आईसी रखी हुई है संभाल कर। ये देखिए, ये हमारी सुकम की SR की। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे 885 मॉडल की है। और दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस आईसी को आप ये कट है जहाँ पर इसके बेस के अंदर कट है यहाँ पर, ये देखिए इसी साइड से लगानी है। अगर आप इसको इस तरह से उल्टी लगा देंगे तो ये दोस्तों या तो आईसी ख़राब हो जाएगी, आपके बोर्ड में जैसे वोल्टेज आती है वो पिनों पर गलत आ जाएगी और आईसी ख़राब हो जाएगी, या फिर ये हमारा बोर्ड ख़राब हो जाएगा। तो आपको दोस्तों इसी कट की तरफ इसे रख कर लगानी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आईसी लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको ये आईसी इस तरह से रखनी है। सबसे पहले दोस्तों इसकी पिनें वगैरह चेक कर लें। ये देखिए दोस्तों, अब ये दोस्तों आपको इस तरह ये दबा देनी है। ये देखिए दोस्तों, ये आईसी लग चुकी है। अब ये दोस्तों हमारे आईसी बिल्कुल अच्छी तरह लग चुकी है। अब तो दोस्तों एक बार फिर हम यहाँ पर वोल्टेज माप लेते हैं इसके आईसी के, कि आईसी डलने के बाद तो वोल्टेज ज़्यादा या कम तो नहीं आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं वोल्टेज माप लेता हूँ। दोस्तों मैं DC के MCB उठा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारी बीप रुक चुकी है, इसका मतलब हमारा इन्वर्टर वर्किंग में आ चुका है। तो चलिए दोस्तों एक बार इसके वोल्टेज माप लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी एक नंबर पिन है जो यहाँ पर, उस पर वोल्टेज चेक करते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल ओके आ रहे हैं, ये कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं 20 नंबर पिन पर भी इसके वोल्टेज चेक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी 827 के पास हमारी पिन है, 20 नंबर पिन। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, इस पर भी वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे सीधा कर इन्वर्टर चेक करते हैं और चार्जिंग वगैरह चेक करते हैं कि हमारी चार्जिंग वगैरह आई है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बैकअप मोड पर आ चुका है, UPS ऑन है हमारा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे सबसे पहले, ताकि कोई फॉल्ट हो तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। चलिए मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ इसके यहाँ पर जो लीड है चार्जिंग के लिए दी होती है। ये देखिए, अब मैं इसे सीरीज बोर्ड में लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मेन पर और चार्जिंग पर आ चुका है, बैटरी चार्जिंग पर। ये देखिए, और सीरीज का प्लग ग्लो हो चुका है, इसका मतलब चार्जिंग आ चुकी है हमारी। अब दोस्तों मैं इसे मेन 220 के अंदर कनेक्ट कर लेता हूँ और एम्पेयर देखते हैं हमारे कितने आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, और ये हमारे यहाँ पर चेंज ओवर हो चुका है। और ये देखिए, हमारे सुई यहाँ पर आ चुकी है, 20 एम्पेयर ले रहा है हमारा चार्जिंग के। ये देखिए, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर आईसी का ही फॉल्ट था और हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ओके हो चुका है। ये देखिए, तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल राहुल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।